हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर एक डिजिटल लॉजिक का हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बाइनरी से किसी भी नंबर को कैसे हम लोग जो है उसके ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ग्रे कोड से उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें टीजीटी पीजीटी, जिसमें केवीएस डीएसएसबी ईएमआरएस एनवीएस और यूजीसी नेट एग्जाम्स में और सेट एग्जाम के जो वीडियोज हैं हम लोग समय समय पर लेके आते रहते हैं, साथ में इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उनमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम लोग जो है बाइनरी से कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि किसी भी कोई, मान लीजिए एक आपके पास कोई बाइनरी नंबर है फॉर एग्जाम्पल, अब उसका बाइनरी नंबर का, जैसे मान लेते हैं, मैं पहले दोनों का एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद उनको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइनरी नंबर है, ये 0110। सपोज करिए ये आपका एक बाइनरी नंबर है, आपको इस बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जरा देखिएगा, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद मैं 0 से लेकर 15 तक बाइनरी नंबर का ग्रे कोड में भी कन्वर्ट करना आपको बताऊंगा। अब यहां पर एक बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को क्या करते हैं हम लोग, इसका जो एमएसबी है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एलएसबी की फुल फॉर्म होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये होती है एमएसबी और ये होती है एलएसबी। ओके, तो ये 1 जो है इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो सबसे देखो, मैं यहां पे बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना बता रहा हूं आपको। ओके, तो आपने क्या किया, इस 1 को एज इट इज लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 1 का 0 के साथ जोर कर देंगे, क्या करेंगे जोर। आपको मैंने लॉजिक गेट्स के अंदर बताया था कि जोर कैसे होता है, तो उसका मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं कि जब हमारे पास दो इनपुट होते हैं ए बी, तो उसका जोर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे ए और बी आपके पास दो इनपुट है, तो जब दोनों इनपुट हमारे 0-0 होंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, 0-1 का 1 आएगा, 1-0 का 0 आएगा, और 1-1 का, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ओके, ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। ओके, देखो कुल मिलाकर यही बात है कि जब आप 0 को 0 में ऐड करोगे तो क्या आता है, 0 आता है। 0 को 1 में ऐड करते तो क्या आता है, 1 आता है। 1 को 0 में ऐड करते तो 1 आता है, और 1 को 1 में ऐड करते तो क्या आता है, 0 आता है, और 1 जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। उसी तरीके से आपको 1 को 0 में ऐड कर लीजिए या फिर जोर कर लीजिए, बात एक ही है। तो 1 का 0 का साथ जोर करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है, अब 0 का 1 फिर से जोर करा या ऐड किया, 0 को 1 के साथ जोर किया तो क्या आया, आपका 1 आया। अब 1 को 0 के साथ करेंगे, 1 को 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, अगेन 1 आएगा आपका। ठीक है, अब 0 को फिर से 1 के साथ किया तो क्या आया, 1 आया, और 1 का 1 के साथ जोर किया तो क्या आया, 0 आया, और 0-1 को 0 के साथ किया तो 1 आया। ठीक है, अब एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। देखिए 1 को एज इट इज लिख दीजिए, 1 को एज इट इज लिख दीजिए, 1 का जोर करने के बाद, 1 का जोर करने के बाद क्या आएगा, 1-0 का जोर 1 आएगा, 1 लिख दीजिए, 0 का 1 के साथ जोर किया, 0 का 1 के साथ जोर किया तो क्या आया, 1 आया। ओके, 1 को अगेन जोर किया 0 के साथ तो क्या आया, 1 आ गया, 0 को 1 के साथ फिर से जोर किया क्या आया, आपका 1 आ गया, 1 को 1 के साथ जोर किया तो 0 आ गया, और 1 को अगेन 0 के साथ जोर किया तो आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये है किसी भी बाइनरी नंबर का ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसी में आप देख सकते हैं, इसी में आप देख सकते हैं कि हम लोग जो हैं
किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं, फिर से हम ले लेते हैं 1 1 0 1 1 0, ठीक है। एक हमने फिर से बाइनरी नंबर ले लिया, अब इसका हम लोग फिर से बाइनरी ग्रे कोड निकालते हैं। ग्रे कोड तो 1 को एज इट इज लिख दिया, 1 को एज इट इज लिख दिया आपने, और 1 का 1 के साथ जोर, 1 का 1 के साथ जोर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 लिख दिया। अगेन 1 को 0 के साथ आपने फिर से जोर किया, क्या आएगा, 1 को 0 के साथ जोर किया 1 आएगा, 0 को 1 के साथ जोर करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ जोर करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 0 से जोर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर से जो है हम लोगों ने एक बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 का 1 1 एज इट इज लिखा, 1 का 1 जोर 0, 0 का 1 1, 0 1 अगेन 1, 1 1 0 एंड 1 0 1, ओके। तो ये हमारे साथ जो है सारा का सारा हम लोगों ने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब देखिए ये बात थी हमारी, अगर हमारे पास गिवन एक नंबर बाइनरी नंबर गिवन है तो उसका ग्रे कोड निकालना है। अब सपोज करिए आपको ग्रे कोड गिवन है, उसका बाइनरी निकालना है। अब ग्रे कोड दिया है आपको, उसका बाइनरी निकालना है, कैसे निकालेंगे, जैसे 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ये आपका ग्रे कोड है, देखिए मैं पहले बता रहा हूं, ये जो गिवन है आपका ग्रे कोड है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने क्या करेंगे, आप इसके साथ आप इसको 1 को एज इट इज लिख देंगे, 1 को एज इट इज लिख देंगे MSB को। अब आप क्या करेंगे, 1 का जोर करेंगे 1 के साथ, 1 का 1 क्रॉस करना है इसमें, इसमें क्रॉस करना है, जो आउटपुट आ रहा है उसी को करना है, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ जोर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगेन 0 को 0 को 0 के साथ जोर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का 1 के साथ जोर करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये गलत हो गया। 1 का 1 के साथ जोर करेंगे तो 0, 0 का 0 के साथ जोर करेंगे तो 0, 0 का 1 के साथ जोर करेंगे तो 1, 1 का 0 के साथ जोर करेंगे तो अगेन 1, और 1 को 1 के साथ जोर करेंगे तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ग्रे कोड का बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ये क्लियर है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें आपके सामने एक कोई एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं, फिर से हम लोग 1 0 0 1 1 1 0, ये ग्रे कोड है, अगेन हमें बाइनरी निकालना है। तो MSB और 1 का 1 लिख दिया, 1 के साथ 0 1 1 0 1, देखो क्या क्या जोर कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, जोर करो या ऐड कर रहा हूं। 1 को फिर से 1 के साथ जोर करें 0, 0 को 1 के साथ जोर करें 1, 1 को 1 के साथ जोर करेंगे 0, और 0 को 1 के साथ 0 को 0 के साथ जोर करेंगे तो फिर से 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ग्रे कोड का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं आपके सामने, 0 से लेकर 15 तक, 0 से लेकर 15 तक जो है काउंटिंग करते हैं और उसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड निकालते हैं। चलिए करके देखते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने यहां पे पहले बाइनरी नंबर लिख लेता हूं, 00, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक कर लेते हैं, वही काफी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो 0 का 000 तो क्या आएगा, तो देखिए 0 का MSB लिख दिया, ये बाइनरी नंबर है, ये ग्रे कोड है, ये बाइनरी है, ये ग्रे कोड है। 0 को लिख दिया, 0 का साथ 0 0 0 0 0, जोर करता हुआ जा रहा हूं मैं साथ साथ में। अब 1 लिखते हैं, 0 0 1, इसका क्या करेंगे, 0 का 0 का एज लिख दीजिए, 0 को साथ 0 जोर 0, 0 के साथ अगेन 1 1, ओके 1। अब 0 1 0 तो 0, ठीक है, 0 साथ 1, 0 के साथ 1 क्या आएगा, 1, और 1 के साथ 0 अगेन 1, देन 0 1 1
जीरो एज इट इज लिख दिया, जीरो के साथ वन वन और वन के साथ वन जोर जीरो, ओके नाउ वन जीरो जीरो, वन को एज इट इज लिखा, वन के साथ जीरो वन और जीरो जीरो वन, ओके वन जीरो वन, अगेन एमएसबी एज इट इज लिखा, वन के साथ जीरो वन और जीरो के साथ वन वन, ओके वन वन जीरो वन, देन वन वन जोर जीरो, ओके एंड वन जीरो वन, लास्ट में वन वन वन, दिस इज वन 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 का जोर जीरो एंड वन वन का जोर अगेन जीरो। तो ठीक है, तो ये आपका बाइनरी नंबर था, इसका इक्विवेलेंट आपने ग्रे कोड में लिख लिया। अब आप चाहो तो सपोज करिए, ये मान लीजिए सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक का गिवन आपको नहीं है, आप चाहो तो आप इसका इक्विवेलेंट जो है आप इसका अगेन बाइनरी निकाल सकते हैं। चलिए मैं भी ये दोबारा से कर देता हूं आपके लिए। अब सपोज करिए, भूल जाइए कि आपको ये दे रखा है, ये आप मान लीजिए हिडन है, आपको केवल ग्रे कोड दे रखे, आपको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकालना है। ये आपको ग्रे कोड दे रखे, आपको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे? अगेन जीरो जीरो जीरो, तो ये पहला आपने जीरो लिख दिया, इस जीरो का इस जीरो के साथ जोर, तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, इस जीरो का इस जीरो के साथ जोर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगेन जीरो का जीरो लिख दिया, अब इस जीरो का इस जीरो के साथ एडिशन या फिर जोर, तो जीरो का जीरो जीरो, जीरो का वन जोर, ओके वन आ गया। अब अगेन जीरो यहां पर आ जाएगा, ये जीरो ये वन क्या आएगा? वन, ये वन ये वन क्या आएगा? जीरो, ओके ठीक है। अब ये जीरो लिखा आपने, ये जीरो ये वन, वन ये वन ये जीरो वन, ओके नाउ अगेन वन वन, पहले वन इक्विवेलेंट लिखा, वन वन जीरो 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 जीरो, ठीक है। सेम अगेन वन का वन लिखा आपने, ये वन एडिशन करा या जोर करा, क्या आएगा? जीरो आएगा, ये जीरो ये वन वन, ओके वन जीरो वन, वन जीरो वन क्या आएगा? वन जीरो वन का वन लिखा, वन का जीरो, वन जीरो वन, अगेन वन वन जीरो, ओके नाउ वन जीरो जीरो, वन का वन लिखा, वन जीरो वन, वन जीरो वन, ओके। तो आपने देखा सेम वही बाइनरी नंबर यहां पे रेप्लिकेट हो गए एज इट इज। तो अगर आपको बाइनरी नंबर दे रखा है तो आसानी से आप उसको ग्रे कोड निकाल सकते हैं, और अगर आपको ग्रे कोड दे रखा है तो उस नंबर का बाइनरी नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आई होप आपको। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप प्लीज अगर आप शेयर करेंगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आएं। और हमारे पास हम लोगों ने आपके लिए KVS DSSB EMRS NVS में TGT PGT कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं, जिसमें साथ में UGC नेट एग्जाम के कोर्स भी अवेलेबल है, सेट एग्जाम कोर्स अवेलेबल है। इन कोर्सेज के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन अवेलेबल है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ओके okay?